नमस्कार। सबसे पहले बिल्कुल आप हल्दी की अगर बात करते हैं तो हल्दी के अंदर जैसे उम्मीद थी वैसे ही मार्केट को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला हुआ दिखाई दिया। हमने देखा था रिसेंटली हल्दी के प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी के बाद एक गिरावट आते हुए दिखाई दी, बट ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। हमने देखा था कि सितंबर के अंदर हमने 18,000 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस के अंदर एक गिरावट बनते हुए देखी, और वो कारण था कि अब ऑलरेडी प्राइजेस रैली अप कर चुकी है और प्रोडक्शन ठीक ठाक बताया जा रहा था। बट अब जैसे कि हम जानते इस बार जो प्रोडक्शन है वो काफी कम रहने की उम्मीद है, तो लगभग 12,000 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट ने एक तेजी दिखाई थी। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो 17,000 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था मार्केट दिखाने का, 20,000 का लेवल छुआ था, और हमने पहले भी कहा था कि 20 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करने चाहिए, एक बार टेम्परेरी पुलबैक मिलेगा, और वो पुलबैक हमने आते हुए देख पाए। अब टेक्निकली देखें तो 16,600 का ये एक इम्पोर्टेंट हर्डल है, यहाँ पे जाकर हमें लगता है कि प्राइजेस एक अच्छा खासा सपोर्ट लेगी और एक नई तेजी के लिए मार्केट वापस तैयारी करेगी। क्योंकि कुल मिला के इस बार अगर हम देखें तो क्रॉप साइज इस बार कमजोर है, जिसका एक सीधा सीधा सपोर्ट प्राइजेस पे फिर से मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के यहाँ से हमें लगता है कि प्राइजेस में रिकवरी बनेगी, बट 16,600 बुधवार शाम के बाद से हम देखेंगे मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अब ये तेजी का पहला कारण था कि हम जानते हैं कि इस बार क्रॉप लगभग बताया जा रहा है कि 60 लाख बैग से कम कम की रहने वाली है। कैरी ओवर भी मिला के चले तो लगभग हम बोलेंगे 90-95 के आसपास का टोटल कैरी ओवर होगा, जबकि डोमेस्टिक डिमांड हम 70 से 72 लाख बोरी के बांध के चलते हैं और 25 से 28 लाख के आसपास का एक्सपोर्ट होता है। तो अगर ये सबको एक्टिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कट टू कट या डेफिसिट में जाते हुए दिखाई देंगे पहली बार, तो जिसके चलते हमने ये बड़ी रैली देखी और एकाएक प्राइजेस 20,000 का लेवल अगर अगले महीने की बात करें वो टच कर गया था। बट ऊंचे हाई लेवल पे एक चीज है कि अराइवल प्रेशर बढ़ना था, ये वाजिब था, और ऐसे ही हुआ। पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है कि एक अराइवल प्रेशर भी बढ़ना चालू हुआ, ऊंचे भाव में जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज है, मसाला कंपनी है, ये भी थोड़ा सा अपना हाथ पीछे कर लिया, जिसके चलते ये फॉल है। तो ये एक टेम्पररी फॉल है जो हमें लगता है 16,500-16,600 तक का लेवल एक बार मिल सकता है, वहां पे आपको फिर से बाइंग करके चलना चाहिए। टेक्निकल चार्ट पे अगर हम देखें तो ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे हमने एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा है, उसका ब्रेकआउट भी हुआ, प्राइजेस ने वापस नेकलाइन को टेस्ट करने की कोशिश की है। अब यहाँ से जब रिकवर होता है तो इमीडिएट टारगेट तो वापस 20,000 का रहेगा, बट कुल मिलाकर टेक्निकल चार्ट पे लग रहा है कि 21,700 से लेकर लगभग 23,000 तक के भी लेवल देख पाएंगे। बट टाइमिंग मार्च मंथ है, साथ में हम देखते हैं इलेक्शन पीरियड है, यहाँ पे कैश कंशियस भी होता है, ऊंचे भाव के चलते इमीडिएट कोई बाइंग नहीं आएगी, बट 16,500-16,700 का जो रेंज है इस रेंज में हम देखेंगे स्लोली एंड स्टेडीली प्राइजेस में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, वहां पे आपको एक्युमुलेट करके चलना चाहिए। धन्यवाद।